बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम यूनिट 7 कर रहे हैं और ये एक्सरसाइज 3 शुरू कर रहे हैं, ग्रामर पेज 74 पे। आज हम पढ़ेंगे हैज़ एंड हैव के बारे में। चले पहले तो बॉक्स पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। वी यूज़ हैज़ एंड हैव टू शो पोजेशन। वी यूज़ हैज़ विद सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस। वी यूज़ हैव विद प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस। वी ऑलवेज यूज हैव विद आई एंड यू। ठीक है, ये आपको इसलिए बताएं कि आई तो एक होता है ना, यानी मैं आई, लेकिन इसके साथ हम ये हैव यूज़ करते हैं। और हैव यहाँ मैंने आपको बताया है, ये लिखा भी यहाँ पे कि ये प्लूरल के साथ यूज होता है, तो ये रूल्स में है। क्यों है? रूल्स में है, ठीक है। एंड यू, यू चूँकि सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, तो यहाँ पे इसलिए हैव आएगा। तो फिर आप सेंटेंस के लिहाज से देखोगे और हैव लगाओगे। अच्छा, ये हैज़ और हैव पोजेशन को शो करते हैं, मलकियत को शो करते हैं, जो चीज़ आपसे बिलोंग करती हो उसको शो करते हैं। मैंने इससे पहले आपको पोजेशन जो बताया था उसके जो अपने अलग वर्ड्स थे वो आपको अगर याद हो, उसमें था माई, योर, हिज़, हर। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी वर्ड्स हैं, जिस तरह हैज़ एंड हैव, तो ये भी पोजेशन को शो करते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस। हसन हैज़ अ स्पोर्ट्स किट। हसन के पास क्या है? स्पोर्ट्स किट है, यानी हसन के पास स्पोर्ट्स किट है और वो हसन का ही है। और चूंकि हसन एक है, सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे हैज़ लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ही हैज़ अ सेक, तो जिस तरह आपने यहाँ पे पढ़ लिया कि हैज़ जो आएगा वो सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ आएगा, तो यहाँ पे ही प्रोनाउन है, तो आपको सारे एग्जांपल्स दे रहे हैं। ही हैज़ अ सेक। मैन एंड वुमेन हैव कलरफुल फ्लैग्स, ठीक है। तो ये देखिए प्लूरल है, तो यहाँ पे हैव आएगा। आई हैव अ ट्रॉफी। आई हैव, तो ये रूल के मुताबिक आई के साथ हैव लगता है, इसलिए हैव लगा है। फिर इन द ब्लैंक्स यूजिंग हैज़ और हैव। अब ये एक्सरसाइज हम करेंगे और हैव हैज़ लगाएंगे। तो आसमा डैश अ न्यू ड्रेस। आसमा हैज़ अ न्यू ड्रेस, यहाँ पे आएगा हैज़। आई हैव टू ईयर्स। You have a bat. He has a pet rabbit. ठीक है, कैपिटलाइजेशन, और ये हमने पहले भी पढ़े थे, दोबारा पढ़ते हैं। We always capitalize the first letter of a sentence and the first letter of the names of people, places and pets. हम हमेशा capitalize करते हैं सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है, और ये भी, और एंड करते हैं फुल स्टॉप से, ठीक है। और capitalize हम जो लोगों के नाम होते हैं और जगहों के जो नाम होते हैं और pets के जो नाम होते हैं, ठीक है, तो वो हम उसको capital letter यानी बड़ा लेटर इस्तेमाल करके लिखेंगे, सही है। तो चाहे वो सेंटेंस के शुरू में आए या एंड में आए या मिड में आए, यानी पीपल के जो पीपल के नेम्स या प्लेस नेम्स या पेट्स नेम्स। माय नेम इज़ सुल्तान। तो देखिए यहाँ जो सेंटेंस शुरू है वो कैपिटल लेटर से शुरू है, ये जो पिंक पिंक लिखा हुआ है, माय नेम इज़ सुल्तान, और देखिए सुल्तान का एस भी कैपिटल है, फुल स्टॉप। Dogs are very noisy. तो first letter है और ये capital होना चाहिए। She lives in Islamabad. तो ये भी first letter capital होना चाहिए और इस्लामाबाद का I बड़ा यानी capital letter. Now rewrite and capitalize the following sentences. आपको sentences दिए हुए हैं, आपने उसको दोबारा लिखना है, यानी ठीक करके लिखना है। तो यहाँ पे सारा इज़ अ गुड गर्ल, और सारा का जो एस है वो स्मॉल है, तो आप इसको बड़ा करके लिखोगे इस तरह, सारा इज़ अ गुड गर्ल और फुल स्टॉप।
ही लाइक्स टू विजिट द लाहौर ज़ू। तो यहाँ पे ये ही है, लेकिन चूँकि ये फर्स्ट वर्ड है और फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा सेंटेंस का वो कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने ही कैपिटल लिखा है, ही लाइक्स टू विजिट द लाहौर, और लाहौर का एल यहाँ स्मॉल है तो ये भी कैपिटल होना चाहिए। जिस तरह आपने रूल में पढ़ा है ना, लाहौर एल कैपिटल लाहौर ज़ू। बनी इज़ माय रैबिट, और आपने रूल में पढ़ा है कि जो पेट्स नेम है नेम्स हैं वो भी कैपिटल होंगे, और चूंकि ये स्टार्ट में भी आ रहा है तो भी कैपिटल होगा। बनी इज़ माय रैबिट, और बनी इसके रैबिट का नाम है, जो पेट रैबिट है इसका, तो बनी का भी होगा कैपिटल, बनी इज़ माय रैबिट। राइटिंग में है लर्निंग टू राइट, राइट नंबर्स फ्राम 1 to 50 इन वर्ड्स इन योर नोटबुक, और ये आपने अपने नोटबुक में लिखने हैं, मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, आप इसी तरह अपने इंग्लिश के नोटबुक में लिख लें। ये देखें, अगर आपको स्पेलिंग्स में मसला हो तो आप ये आपके मैथ्स की बुक में भी होंगे तो वहाँ से भी लिख सकते हैं, और आप इसको याद करो तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा क्रिएटिव राइटिंग देखते हैं, तख्लीकी लिखाई। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर फेवरेट स्पोर्ट्स, यूज़ द वर्ड्स गिवन बिलो। आपको वर्ड्स दिए गए हैं और आपने इन वर्ड्स की मदद से क्रिएटिव राइटिंग लिखनी है, ठीक है, यानी ये वर्ड्स यूज़ हो, इससे आपको ये है कि ये जो वर्ड बिल्डिंग आपको दिए गए होते हैं आप इजीली लिख सकते हो। तो माई फेवरेट गेम इज़ क्रिकेट, आई ऑलवेज विन, मैं हमेशा जीतती हूँ या जीतता हूँ। आई ऑलवेज कम्पीट इन गेम्स, आई मोस्टली प्ले विद माई फ्रेंड्स, I enjoy playing cricket.